जैसे दोस्तों हम मतलब वाइट स्टूडियो को ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक फीचर्स देखने को मिलता है। एलिटिस पे क्लिक करते हैं तब देखिए यहाँ लिखा है कि योर मार्च रिके भी जी है। देखिए यूट्यूबर था तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिए, इसके माध्यम से यूट्यूब आपको बहुत कुछ बनाना चाहता है और इसे अगर आप समझ जाते हैं फिर अपने से उसको किस तरह ग्रो कीजिएगा ये तो आप जान ही लीजिएगा, लेकिन इसके बारे में आपको पहले जानना होगा, ठीक है। एक्चुअल में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ये कहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ हम करते हैं कि अपना मोबाइल का एप वाइट स्टूडियो सिंपल से इसे ओपन किए, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ओपन करने के बाद उसके बाद एलिटिस वाले ऑप्शन पर क्लिक, जैसे हम एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक किए तो हमारे सामने यहीं पे देखने को मिल जाता है योर रिकैप इज सॉरी योर मार्च रिकैप इज हियर। तो इसके बारे में गहराई से जानने के लिए हम करते हैं क्या, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक किए सबसे पहले यहां पे बता रहा है क्या योर मार्च रिकैप, यहाँ पे देखिए इसका मतलब हो गया दोस्तों क्योंकि आपके मार्च महीने में आपने अपने चैनल पे क्या क्या एक्टिविटी की, क्या क्या आपने आपके चैनल पे कितने वीडियो पे व्यूज आया, कैसे कैसे व्यूज आया, क्या क्या आपने एक्टिविटी, कैसे कैसे आप अपने चैनल पे व्यूज लाइएगा अब नेक्स्ट महीना, ये आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क्या, देखिए हेयर्स वाट यू गोट अप टू इन मार्च, यानी आपके मार्च महीने का पूरा कपड़ा यहाँ पे ग्राफ दिखा दे, आपने मार्च महीने में कितने यहाँ पे वीडियो अपलोड किया और कितने शॉर्ट्स वीडियो, कितने पोस्ट, लाइव स्ट्रीम, जितने भी एक्टिविटी आपने चैनल पे होगी वो सारा का सारा यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना। और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रॉल करते हैं, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे लिखा है क्या, देखिए दिस ऑल्डर वीडियो इज टेकिंग ऑफ द जो जंपेड फ्रॉम 22.6 इन व्यू। देखिए यहाँ पे आपको बता रहे वी एन वीडियो जो आपका सबसे मंथली हाईलाइट जो वीडियो होगा, आपके एक महीने के अंदर में जो वीडियो सबसे ज्यादा जिस वीडियो पे व्यूज आया होगा उस वीडियो का यहाँ पे थंबनेल दिखाई देगा और यहाँ पे टाइटल वगैरह दिखाई देगा ताकि आप जान पाएंगे कि इस महीने में आपका वीडियो पे इतने व्यूज आया था। इससे रिलेटेड अगर आप वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं फिर आपके उस वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज आएगा, ठीक है ना। तो और भी ज्यादा जानकारी के लिए हम करते हैं नेक्स्ट करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट किए तो यहाँ देखिए आपके सामने टोटल 6 महीने का यहाँ पे ग्राफ दिया, 6 महीने का ग्राफ यहाँ पे दिया। देखिए यहाँ लिखा है क्या, पीपुल वॉचिंग योर चैनल 3.1 लाख टाइम्स, यानी 3.1 लाख टाइम्स, यानी पिछले महीने मेरे वीडियो को देखा गया, हमारे चैनल के जितने भी वीडियो था 3.1 लाख व्यूज आया हमारे वीडियो पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 महीने का पूरा कपड़ा ग्राफ दिखाई देगा, इन ग्राफ को आप देख पाएंगे कि आपके किस महीने में कितना ग्राफ था, इन किस महीने में कितना व्यूज आया था, कि सारा का सारा चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे 1.9 लाख मार्च द लास्ट ईयर, यानी पिछले महीने में, एक्चुअल में आज है 2 अप्रैल, ये पिछले मार्च का यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे ग्राफ दिखा, ठीक है ना। उसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, जैसे हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे दिखा मोस्ट व्यूवर्स न्यू टू योर चैनल, यानी आपके चैनल पे जो मोस्ट व्यूवर्स जो आए हैं नए कितने आए और रिटर्निंग कितने हैं, यहाँ देखिए न्यू व्यूवर्स, देखिए आपके चैनल पे जितने न्यू व्यूवर्स आएंगे वो ये ग्राफ आपको दिखाई देगा। और रिटर्निंग व्यूवर्स देखिए यहाँ पे रिटर्निंग व्यूवर्स था वो 22% और न्यू व्यूवर्स था 78%। इससे आप जान पाएंगे कि आपके चैनल पे कितने नए व्यूवर्स आए और कितने नए जो व्यूवर्स आए उनमें से फिर से आपकी वीडियो को देखा, उसे रिटर्निंग व्यूवर्स कहते हैं। यानी कुल मिलाकर बात है दोस्तों, रिटर्निंग व्यूवर्स उस व्यूवर्स को कहा जाता है जो व्यूवर्स आपकी वीडियो को एक बार देखता और वही व्यूवर्स फिर आपकी चैनल के दूसरी वीडियो को देखता तो उसे रिटर्निंग व्यूवर्स कहते हैं, समझ गए। उसके बाद फिर से नेक्स्ट करते हैं, जैसे हम नेक्स्ट करते हैं यहां पे लिखा क्या, देखें दे वॉच इट मोस्टली ओल्डर अपलोड, यहाँ पे आपके पूरे का पूरे 6 महीने का आपको जो बताए थे वो यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि सारा का सारा यहाँ पे ग्राफ आपके परसेंटेज के हिसाब से देता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट करते हैं, जैसे हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे दिखाएगा पीपुल डिड नॉट जस्ट वॉच दे इंटरेक्टिव, यहाँ देखा 4744, यानी आपके चैनल पे की वीडियो पे जितने भी लाइक्स आएंगे वो सारा का सारा लाइक्स यहाँ पे ऐड करके दिखा देगा, आपके पिछले महीने में कितने लाइक्स आए, कितने शेयर किए गए आपकी वीडियो को, शॉर्ट्स वीडियो, लॉन्ग वीडियो, कम्युनिटी पोस्ट को, लाइव को, ये जितने भी शेयर किए गए वो सारा का सारा यहाँ पे ग्राफ जोड़ के दे देगा। उसके बाद कमेंट्स यहाँ पे बता देगा, यानी कुल मिलाकर आपके चैनल में जितनी भी एक्टिविटी हुई लाइक शेयर कमेंट्स वो यहाँ पे आपको बताएगा। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा यहाँ पे देखिए गेट मोर टू रिटर्न बाय क्रिएटिंग ए लॉयल कम्युनिटी, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यहाँ पे क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेंस टू ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे कनेक्ट ओवर द शेयर्ड सेंस ऑफ परपोज कॉमन एक्सपीरियंस इन इंटरेस्ट, आपको बोल रहा है अपने ऑडियंस से जिस तरह जितना अच्छा से आप कनेक्ट हो सके उतना अच्छा से कनेक्ट होइए अपने वीडियो के माध्यम से, जो वीडियो आपका जो ऑडियंस देखना पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा, यानी कुल मिलाकर बात है दोस्तों आप अपने चैनल पर जो वीडियो को अपलोड कर रहे हैं उनमें से आपको देखना है कि आपके किस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज आ रहा है, तो उस तरह से वीडियो यानी उससे रिलेटेड जो वीडियो को दूसरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिएगा तो उस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज आने के चांसेस बनेंगे, ये यहाँ पर बोल रहा है। उसके बाद नीचे देखें ब्रिंग वैल्यू बियॉन्ड कंटेंट, यानी अपना जो कॉन्टेंट वो वैल्यू कंटेंट बनाए ताकि आप पे जो ऑडियंस जो होता है ट्रस्ट करें, विश्वास करें, हाँ ये जो ऑडियंस ये जो क्रिएटर्स है ये काफी अच्छा जानकारी देता है, ये काफी अच्छा वीडियो बनाता है, ताकि अपना एक ब्रांड बन पाए, ठीक है ना। उसके बाद नीचे मेक योर कम्युनिटी फील हार्ड, स्पार्क कन्वर्सेशन इन इच कमेंट्स एंड
नॉलेज फीडबैक, यहाँ पे बोल रहा है कि अपने कमेंट्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप पे आपके जो वीडियो पे कमेंट्स करते हैं ऑडियंस जानकारी के लिए कमेंट्स करते हैं, जो भी आप कमेंट्स करते हैं इंगेजिंग होते हैं, अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने ऑडियंस से थोड़ा कनेक्टेड होइए, जितना अच्छा सा अपना आपको जो होता है कि ब्रांड बना रहे जिससे आप ऑडियंस से कनेक्टेड रहेंगे, उतना अच्छा आपका ऑडियंस अच्छा रहेगा और आपके वीडियो पे व्यूज आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से जैसे नेक्स्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट किए, देखिए यहाँ पे लिखा स्टार्ट टू रेट फॉर मोर, यहाँ पे वेदर यू आर प्लानिंग क्रिएटिंग और रेस्टिंग हैव ए गुड मोड, यानी आपको बोल रहा है कि अब जो है नेक्स्ट महीना का जो आप अच्छा से अच्छा प्लानिंग कीजिए, अच्छा से अच्छा क्रिएट कीजिए कॉन्टेंट को, ताकि और भी आपके इस महीने से ज़्यादा व्यूज आए, अपने जितना अपने कॉन्टेंट में इंप्रूव कीजिएगा उतना आपकी वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज आएगा। तो अब यहाँ पे डन का भी ऑप्शन एक है, यहाँ नीचे वॉच दिस यूजफुल का भी है, उसके बाद शेयर फीडबैक का भी है, आप वॉच दिस यूजफुल पे क्लिक कीजिएगा, YouTube का मैसेज आएगा हाँ ये काफ़ी गजब के फीचर्स है, इस फीचर्स के माध्यम से ऑडियंस क्रिएटर्स जो होता है वो काफ़ी अच्छा जानकारी ले पाता है अपने चैनल्स के बारे में, और नेक्स्ट महीना जो अपने चैनल पर काम करेंगे कंटेंट बनाएंगे वो अच्छा से अच्छा बना पाएंगे, ये यहाँ पे आपको बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर डन पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये बैक हो गया, आपको बोला कि आप जो है नेक्स्ट महीना आपको इस जो अप्रैल चल रहा है इस महीने का पूरा ग्राफ हम नेक्स्ट महीना आपको बताएंगे आपने इस महीने में कितना एक्टिविटी की है। तो आई होप आप इसके बारे में योर मार्च इज रिकवरी हेयर के बारे में पूरा डिटेल्स में जान गए, तो भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और आपको अच्छा जानकारी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।